all the participants of this webinar. Friends, we are starting with Rule 62 of the second schedule of the Income Tax Act. We are doing the recovery provisions at the moment. And Rule 62 says that setting aside sale where defaulter has no saleable interest. जब डिफॉल्टर के पास कोई सेल करने लायक इंटरेस्ट ही नहीं है प्रॉपर्टी में, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो बेच भी नहीं सकता. जब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, इंटरेस्ट मतलब कोई अधिकार नहीं है उसका, उसका कोई भी किसी तरह का जुड़ाव नहीं है उस प्रॉपर्टी से जो उसको कोई अधिकार देता हो, तो रूल 62 ये कहता है एट एनी टाइम विद इन 30 डेज ऑफ द सेल, सेल के 30 दिन के अंतर्गत किसी भी समय परचेजर अप्लाई कर सकता है TRO को, बिकॉज परचेजर को कुछ फायदा तो मिल नहीं रहा है. परचेजर अप्लाई कर सकता है TRO को कि वो सेट असाइड कर दे उस सेल को, इस आधार पे कि जो डिफॉल्टर है उसका कोई सेल करने लायक इंटरेस्ट नहीं था उस सोल्ड प्रॉपर्टी में. इस प्रकार से अगर परचेजर इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में TRO को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि TRO को तो पता मिल गया. तो जो अफेक्टेड पार्टी है वो यहाँ पर है परचेजर, और इसलिए परचेजर को ये एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा. रिक्वेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स टू काइंडली कीप देयर माइक्रोफोन्स म्यूटेड प्लीज. ओके, एट एनी टाइम विद इन 30 डेज, और ये सेल के 30 दिन वो कर सकता है, 30 दिन के अंतर्गत एप्लीकेशन कर सकता है उसको सेट असाइड करवाने के लिए, इस ग्राउंड पर कि उसका जो डिफॉल्टर था उसका कोई सेलेबल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में नहीं था. हम लोग पढ़ रहे हैं इमोबल प्रॉपर्टी को कैसे अटैच या सेल किया जाता है. कंफर्मेशन ऑफ सेल 63, वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड फॉर सेटिंग असाइड द सेल अंडर द फॉलोइंग रूल्स, और वेयर सच एन एप्लीकेशन इज मेड एंड डिसअलाउड बाय द TRO, द TRO शैल इफ द फुल अमाउंट ऑफ द परचेज मनी हैज बीन पेड मेक एन ऑर्डर confirming the sale, and thereupon the sale shall become absolute. Sale को set aside करने के लिए section rule 62 में अगर कोई भी order नहीं किया गया, या अगर कोई ऐसी application की गई लेकिन वो उसको disallow कर दिया गया TRO के द्वारा, तो TRO यदि purchase money का payment पूरा कर दिया गया है, तो TRO shall make an order. उनको एक ऑर्डर करना है कंफर्म करते हुए सेल को, एंड देयर अपॉन और उस पे सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, सेल पूरी हो जाएगी. 63.2, वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड एंड अलाउड, जहां ऐसी एप्लीकेशन की जाती है यानी सेट असाइड करने की एप्लीकेशन की जाती है और अलाउ कर दी जाती है, and where in the case of an application made to set aside the sale on deposit of the amount and penalty and charges, aur jahan pe application is baat mein ki ja rahi hai, is baat ki ja rahi hai ki sale ko isliye set aside kar diya jaye kyunki ek rashi usne deposit kar di hai aur sath mein penalty aur charges bhi deposit kar diye hain, jaise pichle pehle rules mein aaya tha ki जो परचेजर है वो सेल को सेट असाइड करा सकता है कुछ पेनल्टी पे करके और कुछ चार्जेस पे करके, और उस प्रकार से अगर उस एप्लीकेशन पे अगर उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है, तो द डिपॉजिट इज मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल, और जो डिपॉजिट है
वो सेल के 30 दिन के अंतर्गत कर दिया जाता है तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द सेल। सेल को सेट असाइड करते हुए टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऑर्डर करेंगे। तो ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर सेट असाइड करते हुए कब कब ऑर्डर करेंगे? जब रूल 62 में एप्लीकेशन की जाती है कि कोई सेलेबल इंटरेस्ट नहीं है परचेजर का, उसको इसलिए सेट असाइड कर दिया जाए सेल को, तो डाउन पे हो सकता है या फिर जो डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट एंड पेनल्टी एंड चार्जेस को डिपॉजिट करके अगर एप्लीकेशन की जाती है सेट असाइड करने के लिए, वो भी अलाउ कर दी जाती है, उस केस में भी जो सेट असाइड का ऑर्डर है वो करना होगा। Provided that no order shall be made unless notice of the application has been given to the persons affected thereby. लेकिन ये जो ऑर्डर किया जा रहा है सेट असाइड करने के लिए या हाँ सेट असाइड करने के लिए जो ऑर्डर किया जा रहा है, ये ऑर्डर तभी किया जाएगा जब जो भी एप्लीकेशन फाइल की गई थी परचेजर के द्वारा उसका नोटिस जो भी पार्टियां अफेक्टेड हैं उनको दिया जाएगा। यानी तो डिफॉल्टर अफेक्टेड है तो उसको भी इसको इसका नोटिस देना, और भी जो भी पार्टियां उस ऑर्डर से अफेक्ट होती हैं उन सबको उसका उसकी सूचना पहले से दी जाएगी और उसके बाद ही ये ऑर्डर किया जाएगा। ये सूचना देने की बात हो रही है, नोटिस देने की बात हो रही है, जिससे कि वो अपना कोई ऑब्जेक्शन है तो फाइल कर सके। हालांकि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी देने की बात नहीं है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो सेट असाइड करने की जो एप्लीकेशन है वो नॉन सर्विस ऑफ नोटिस के ग्राउंड पर भी हो सकती है, इररेगुलरिटी के ग्राउंड पर भी हो सकती है, 61 में लिखा हुआ है, और जो सेल को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन है वो ऑन डिपॉजिट भी हो सकती है जो रूल 60 में लिखा हुआ है। तो जो ये सेट असाइड करने की एप्लीकेशन है ये तीन तरीके से हो सकती है, 60, 61 और 62, या तो राशि डिपॉजिट करके और पेनल्टी वगैरह पे करके जो इंटरेस्ट लिखा है 1 1/4% और पेनल्टी जो 5% की लिखी है वो सब पे करके, और जो डिपॉजिट किया जो भी अमाउंट है प्रोक्लेमेशन में जो मेंशन था और जिसके रिकवरी के लिए सेल ऑर्डर की गई थी वो राशि पे करके, अगर ये सारी चीज़ें करके एप्लीकेशन की जा सकती है कि सेल को सेट असाइड कर दिया जाए। और ये जो एप्लीकेशन है ये नॉन सर्विस ऑफ नोटिस या इररेगुलरिटी के लिए भी किया सकती है 61 में, ये भी हमने देखा था, और 62 में अगर सेलेबल इंटरेस्ट है ही नहीं डिफॉल्टर का इस ग्राउंड पर भी की जा सकती है। और इन तीनों ग्राउंड पर जो भी एप्लीकेशन होती है उनको अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो और या फिर एप्लीकेशन की जाती है और डिसअलाउ कर दी जाती है टीआरओ के द्वारा, तो टीआरओ अब उस सेल को कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने पे जब ऑर्डर करेंगे तो सेल आप शुरू हो जाएगी। और यदि वो एप्लीकेशन की जाती है और अलाउ कर दी जाती है इन तीनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में, और जहां पे एप्लीकेशन की जाती है जो अमाउंट है डिपॉजिट करने पे पेनल्टी और चार्जेस देने पे सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन भी की जाती है और डिपॉजिट भी कर दिया जाता है 30 दिन के अंदर सेल से, तो टीआरओ जो है उस केस में सेल को सेट असाइड कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं रिटर्न ऑफ परचेज मनी इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस में परचेज का पैसा वापस भी किया जाता है, सो लेट अस सी दैट। 64, वेयर अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सेट असाइड एनी मनी विच इज पेड और डिपॉजिटेड बाय द परचेजर। जब भी ये सेल कोई भी सेट असाइड कर दी जाती है जिसका कि 63 में वर्णन है, तो कोई भी पैसा जो पे किया गया था या डिपॉजिट किया गया था परचेजर के द्वारा परचेज की वजह से और साथ पेनल्टी टुगेदर विद पेनल्टी इफ एनी जो डिपॉजिट की गई है फॉर द पेमेंट टू द परचेजर एंड सच इंटरेस्ट एज द टैक्स रिकवरी ऑफिसर मे अलाउ शैल बी पेड टू द परचेजर। तो परचेजर को क्या क्या चीजें दी जाएंगी?
एक तो जो पैसा उसने डिपॉजिट किया था या पे किया था, और जो भी पेनल्टी का राशि है, अगर कोई पेनल्टी की राशि पे की गई थी डिफॉल्टर के द्वारा, सॉरी परचेजर के द्वारा, टुगेदर विद द पेनल्टी इफ एनी डिपॉजिटेड फॉर द पेमेंट टू द परचेजर, जो परचेजर को पे करने के लिए जो पेनल्टी पे की गई थी, एंड मतलब ये जो राशि है, ये सारे जो सेट असाइड जब हो जाता है सेल, जब सेल सेट असाइड हो गया तो परचेजर ने बहुत से पेमेंट कर रखे हैं तो उसको वापस करने पड़ेंगे, तो जो भी उसने पेमेंट किया वो वापस कर दिया परचेजर को। उसके बाद जो पेनल्टी डिपॉजिट की गई थी एप्लीकेंट के द्वारा, डिफॉल्टर के द्वारा, तो वो भी उसको दे दी जाएगी परचेजर को, और जितना भी इंटरेस्ट जो टीआरओ अलाउ करेंगे वो भी परचेजर को पे कर दिया जाएगा। उसके बाद सेल सर्टिफिकेट 65(1), सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बिकम एब्सोल्यूट, द टीआरओ शैल ग्रांट अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी सोल्ड एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ सेल इज डिक्लेयर टू बी द परचेजर। जहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, जो एब्सोल्यूट होने की बात की गई है 63(1) में, और जब भी वो ऑर्डर करते हैं कंफर्म करते हुए सेल को, तो पहले ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन होता है और उससे वो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, और उसके बाद टीआरओ एक सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं जिसमें प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हैं जो बेची गई, और उन लोगों के नाम स्पेसिफाई करते हैं, पर्सन का नाम जो कि सेल के टाइम परचेजर डिक्लेयर हुआ था। और 65(2) में ये कहा जा रहा है, सब सर्टिफिकेट शैल स्टेट द डेट ऑन विच द सेल बिकेम एब्सोल्यूट, और उस सर्टिफिकेट में वो डेट भी मेंशन की जाएगी जिस तारीख को ये सेल एब्सोल्यूट हो गई। अब आते हैं रूल 66 पर। 66(1) ये कहता है, एंड इट इज अबाउट पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल टू एनेबल द डिफॉल्टर टू रेज अमाउंट ड्यू अंडर सर्टिफिकेट। वेर एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड, जहां पर भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर कर दिया गया है, इफ द डिफॉल्टर कैन सेटिस्फाई द टीआरओ, अगर डिफॉल्टर टीआरओ को सेटिस्फाई कर दें, दैट देर इज रीजन टू बिलीव, कि विश्वास करने के कारण है, दैट द अमाउंट ऑफ द सर्टिफिकेट मे बी रेज्ड बाय द मोर्टगेज और लीज और प्राइवेट सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि जो भी अमाउंट था सर्टिफिकेट में, जो मेंशन था, जो सर्टिफिकेट टीआरओ जो बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं, जो वर्ड यूज किया जाता है, जो अमाउंट सर्टिफिकेट में लिखा था वो उस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज या लीज या प्राइवेट सेल करके भी वो जुटाया जा सकता है, या उसका कुछ पार्ट ही जुटाया जा सकता है, और ऑफ एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर, या डिफॉल्टर के पास कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको लीज मोर्टगेज या प्राइवेट सेल करके जुटाया जा सकता है। द टैक्स रिकवरी ऑफिसर मे ऑन हिज एप्लीकेशन पोस्टपोन द सेल, तो जो टीआरओ हैं उसकी एप्लीकेशन पे सेल को पोस्टपोन कर देंगे ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन द ऑर्डर ऑफ से ऑर्डर फॉर सेल, जो प्रॉपर्टी ऑर्डर फॉर सेल में कंप्राइज थी उसके सेल को पोस्टपोन कर देंगे ऑन सच टर्म्स, ऐसे कंडीशंस पे एंड फॉर सच पीरियड, और ऐसे पीरियड के लिए, एज ही थिंक्स प्रॉपर, जैसा वो प्रॉपर समझते हैं, टू एनेबल हिम टू रेज द अमाउंट, उसको एनेबल करने के लिए कि वो उस अमाउंट को रेज कर ले। और इन सच ए केस द टीआरओ शैल ग्रांट अ सर्टिफिकेट टू द डिफॉल्टर ऑथराइजिंग हिम विद इन अ पीरियड टू बी मेंशन देयर इन एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस शेड्यूल टू मेक द प्रपोज्ड मोर्टगेज लीज और सेल। तो यहां पे ये बात कही जा रही है 66 में, कि सेल का ऑर्डर ऑर्डर फॉर सेल कर दिया गया है। कहने का मतलब ये कि जो प्रोक्लेमेशन है सेल का वो कर दिया गया है।
अभी सेल एब्सोल्यूट नहीं हुई है, अभी सेल घटित नहीं हुई है, सेल होनी है, सेल का प्रोक्लेमेशन किया गया है, जिसको हम ऑर्डर फॉर सेल कह रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगी, ये ऑर्डर किया गया है, लेकिन डिफॉल्टर अगर सेटिस्फाई कर दे टीआरओ को कि विश्वास करने के कारण ऐसे हैं कि यदि उसकी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज लीज या प्राइवेट सेल किया जाए, प्राइवेट सेल यानी अगर वो खुद सेल कर दे और ऐसा करके वो प्रॉपर्टी का उसका जो सर्टिफिकेट का अमाउंट जुटाया जा सकता है या उसका पार्ट जुटाया जा सकता है या किसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो उसके पास है डिफॉल्टर के पास उसको लीज मॉर्गेज या प्राइवेट सेल करके वो राशि जुटाई जा सकती है, तो द टीआरओ जो है एप्लीकेशन करने पे पोस्टपोन कर देंगे प्रॉपर्टी के सेल को जो कंप्राइज हो रही है ऑर्डर फॉर सेल में, और उसमें कंडीशन लगा देंगे जैसे वो प्रॉपर समझते हैं कि जिससे वो अमाउंट को रेस कर सकते, और ऐसे केस में टीआरओ एक सर्टिफिकेट उसको दे देंगे डिफॉल्टर को, उसको ऑथराइज करते हुए कि जो भी पीरियड उसमें लिखा होगा कि उतने पीरियड के अंतर्गत शेड्यूल में कुछ भी लिखा हो कि आप वो प्रपोज मॉर्गेज लीज या सेल आप कर सकते हैं उतने पीरियड, उसको ऑथराइज किया जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट ऑल मनी इज पेएबल अंडर सच मॉर्गेज लीज और सेल शैल बी पेड नॉट टू द डिफॉल्टर बट टू द टीआरओ, बशर्ते ये कि जो कंडीशन एक होगी उसमें कि जो भी पैसा उस मोर्टगेज लीज या सेल का दिया जाएगा वो डिफॉल्टर को नहीं दिया जाएगा बल्कि वो पैसा टीआरओ को दिया जाएगा, और बशर्ते और भी दैट नो मोर्टगेज लीज और सेल अंडर दिस रूल शैल बिकम एब्सोल्यूट, कोई भी मोर्टगेज लीज या सेल एब्सोल्यूट नहीं होगी अंटिल इट हैज बीन कंफर्म्ड बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर, जब तक उसको टैक्स रिकवरी ऑफिसर खुद कंफर्म ना करें, यानी यहां पर डिफॉल्टर को एक मौका दिया जा रहा है कि वो चाहे तो खुद अपना मोर्टगेज सेल या लीज कर ले प्रॉपर्टी को और उससे पैसा जुटा ले, और उस पैसे अगर वो सर्टिफिकेट की मात्रा संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है, उसको भी हम मौका दे सकते हैं कि हमें अपनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी और खर्चे नहीं होंगे, वो अपना खुद खर्चे करेगा और खुद सेल कर लेगा और वो सेटिस्फाइड होगा और जो राशि है टैक्स की वो उसका पेमेंट हो जाएगा सरकार को। अब आते हैं 67, फ्रेश प्रोक्लेमेशन बिफोर रीसेल, एवरी रीसेल ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द परचेज मनी विद इन द पीरियड अलाउड फॉर सच पेमेंट शैल बी मेड आफ्टर द इशू ऑफ अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन इन द मैनर एंड फॉर द पीरियड हियर बिफोर प्रोवाइडेड फॉर द सेल। अगर जब मौका दे दिया गया डिफॉल्टर को कि आप अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज या सेल वगैरह कर लीजिए खुद भी या लीज कर लीजिए, लेकिन वो जो पीरियड मेंशन था, पीरियड जो जिस पीरियड के अलाउ किया गया था पेमेंट करना, उस पीरियड में वो डिफॉल्ट हो जाता है, नहीं पेमेंट कर पाता, नहीं मोर्टगेज सेल एक्सेट्रा कर पाता, तो उसको रीसेल करना होगा प्रॉपर्टी को। तो जब प्रॉपर्टी को रीसेल करना होगा तो उस रीसेल के लिए एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा, पुराने प्रोक्लेमेशन के आधार पे ये नहीं किया जाएगा, और ये प्रोक्लेमेशन उसी हिसाब मैनर में किया जाएगा और ऐसे पीरियड के लिए किया जाएगा जो कि सेल के लिए प्रोवाइडेड है। अब आते हैं 68 है बिड ऑफ को शेयरर टू हैव प्रेफरेंस वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज अ शेयर ऑफ अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक शेयर बेचा गया है, एंड टू और मोर पर्संस ऑफ होम ही इज अ को ऑफ होम वन इज अ को शेयरर रिस्पेक्टिवली बिड द सेम सम फॉर सच प्रॉपर्टी, और दो या उससे ज्यादा लोग उनमें से एक प्रॉपर्टी का को शेयरर भी अगर है तो और वो अगर एक ही राशि बिड कर देते हैं सेम सम फॉर सच ऐसी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी लॉट के लिए एक ही राशि बिड कर देते हैं
वो बिड शैल बी डीम्ड टू बी द बिड ऑफ द को शेयर। तो जो बिड है वो बिड जो है, या उतने रुपए की जो बिड है वो को शेयर की बिड मानी जाएगी और बाकी लोगों की बिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी शेयर कर रहा था उसको प्राथमिकता दी जा रही है कि वो अगर चाहे तो सेम प्राइस पे जो किसी दूसरे ने बिड किया है उस पे, उस प्राइस को वो प्राथमिकता से, उसको प्राथमिकता दी जा रही है कि वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, खरीद लेगा। अब आते हैं 68 पे। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर। 68A1, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है रूल्स का जिसमें कि अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो जो भी प्रोविजन्स इस पार्ट में कंटेन्ड हैं उन पे प्रतिकूलता प्रदान करे बिना एन असेसिंग ऑफिसर हु इज ड्यूली ऑथराइज बाय द PCCIT और द CCIT और द PCIT और द CIT इन दिस बिहार। कोई भी असेसिंग ऑफिसर जिसको कि ऑथराइज किया गया, ड्यूली ऑथराइज किया गया है इस काम के लिए, मे एक्सेप्ट इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर द प्रॉपर्टी, डिफॉल्टर द प्रॉपर्टी द सेल ऑफ विच हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर रीजन मेंशन्ड इन सब रूल वन ऑफ रूल 59। तो रूल 59(1) के तहत अगर सेल को पोस्टपोन कर दिया गया रहा है, एट सच प्राइस एज मे बी अग्रीड अपॉन बिटवीन द असेसिंग ऑफिसर एंड द डिफॉल्टर। तो कोई ऐसा प्राइस हो सकता है जो असेसिंग ऑफिसर और डिफॉल्टर के बीच में तय हो जाए। और 59(1) को पहले हम देख लेते हैं कि 59(1) में क्यों पोस्टपोन हो रही है। 59(1) में कहा गया कि जब जहां पर भी प्रॉपर्टी की सेल जिसके लिए एक रिजर्व प्राइस फिक्स किया गया रहा था उसको पोस्टपोन किया गया इसलिए क्योंकि कोई भी बिड नहीं आई एक ऐसे राशि की जो कि रिजर्व प्राइस से ज्यादा हो, फॉर वॉन्ट ऑफ ए बिड ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन द रिजर्व, सच रिजर्व प्राइस, रिजर्व प्राइस है उससे ज्यादा की कोई बिड नहीं आई तो इसलिए लॉफुल हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर के लिए, अगर उसको ऑथराइज किया जाता है कि उस प्रॉपर्टी के लिए बिड करें किसी सब्सिक्वेंट सेल में, और यानी जहां पे प्रॉपर्टी बिड की बिड प्रॉपर बिड नहीं आ रही है तो सरकार खुद भी बिड कर सकती है असेसिंग ऑफिसर के थ्रू, और जितने भी पर्सन बिड करेंगे उस सेल में उनको ये डिक्लेयर करना जरूरी होगा अगर कि वो अपने बिहाफ पे बिड कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे बिड कर रहे हैं, और ऐसा अगर वो नहीं डिक्लेयर करते हैं तो उनकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी। और जहां पर असेसिंग ऑफिसर को परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी सब्सिक्वेंट सेल में क्योंकि उसने बिड किया था आफ्टर ड्यू ऑथराइजेशन, तो उस केस में जो अमाउंट है सर्टिफिकेट का वो उस प्राइस के अगेंस्ट, परचेज प्राइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो 59(1) में क्या हो रहा है कि कोई बिड आई नहीं, अब जब कोई बिड नहीं आई रिजर्व प्राइस या उससे ऊपर की तो फिर से सब्सिक्वेंट सेल करनी पड़ेगी। ऐसे कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर भी उसमें बिड कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहां कहा जा रहा है 68A में कि अगर असेसिंग ऑफिसर जिसको जिनको भी ऑथराइज किया गया रहा है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट व्हिच इज ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर द प्रॉपर्टी द सेल ऑफ विच हैज बीन पोस्टपोन, उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को जिसकी सेल जो थी पोस्टपोन कर दी गई रही थी क्योंकि 59(1) के रीजन से, यानी बिड ही कोई नहीं आई, और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रकार से जो स्वीकार की जाएगी उस टैक्स के राशि के इवज में वो ऐसे प्राइस पे स्वीकार की जाएगी जो एग्री किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर और डिफॉल्टर के बीच में, यानी डिफॉल्टर और असेसिंग ऑफिसर के बीच में
प्राइस की बात हो गई कि प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, तो यानी कि उसको फिर दोबारा से सेल में बिड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे असेसिंग ऑफिसर और डिफॉल्टर के बीच में प्राइस तय हो गया और उस प्राइस पे उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया गया। एंड वेयर एनी प्रॉपर्टी इज एक्सेप्टेड, और जहां पर कोई प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया जाता है अंडर सब रूल वन, द डिफॉल्टर शैल डिलीवर पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द असेसिंग ऑफिसर। डिफॉल्टर जो है ऐसी प्रॉपर्टी का पोजेशन असेसिंग ऑफिसर, एंड ऑन द डेट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द असेसिंग ऑफिसर, द प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तारीख को पोजेशन दे दिया जाएगा प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल वेयर नेसेसरी इंटीमेट द कंसर्न रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, और जहाँ भी जरूरी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटीमेशन दे देगी कंसर्न रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को, जो रजिस्ट्रार है, जिसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अपॉइंट किया गया रहा हो, उसके अनुसार उनको इंटीमेशन दे देगी कि प्रॉपर्टी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से आप रजिस्टर कर लीजिए। नाउ वेयर द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी एग्रीड अपॉन एक्सीड्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर, जो प्राइस एग्री अपॉन किया गया है अगर वो ज्यादा है उस राशि से जो डिफॉल्टर से ड्यू है टैक्स के रूप में सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, तो सच एक्सेस शैल बी पेड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द डिफॉल्टर, तो जो भी एक्सेस राशि है वो असेसिंग ऑफिसर डिफॉल्टर को पे कर देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन। पोजेशन देने से 3 महीने के अंतर्गत वो राशि को पे कर देंगे। एंड वेयर द असेसिंग ऑफिसर फेल्स टू पे सच एक्सेस, और जहां पर असेसिंग ऑफिसर उस एक्सेस को पे करने में फेल कर जाते हैं उस पीरियड में, विद इन द पीरियड अफोरसेड यानी उसके पहले जो कहा गया पीरियड है, यानी जो 3 महीने का पीरियड है डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन से, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड पे सिंपल इंटरेस्ट एट 1.5% ऑफ द फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ टू द डिफॉल्टर ऑन सच अमाउंट। उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 0.5% का इंटरेस्ट हर महीने के लिए, 1.5% का मतलब 0.5% का इंटरेस्ट, जहाँ 1.25% होता है इसका मतलब 1/4% इंटरेस्ट, यहाँ पर है 0.5% इंटरेस्ट हर महीने के लिए, हर पार्ट ऑफ मंथ के लिए डिफॉल्टर को उस तारीख से शुरू करते हुए जब वो 3 महीने का पीरियड एक्सपायर होता है और उस पीरियड पे ख़त्म होते हुए जब वो राशि पे कर दी जाती है उसको जो अनपेड थी, यानी पूर्णतया पे कर दी जाती है, वहाँ तक के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट देगा 0.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ टू डिफॉल्टर ऑन सच अमाउंट। ऑन सच अमाउंट यानी जो भी राशि अनपेड है, अगर थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट किया जा रहा है तो जो जो राशि अनपेड है उस राशि पे सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। तो यहां पे इसको अगर समझने की कोशिश करें, सेल करने के लिए बिडिंग की गई, वहां पे रिजर्व प्राइस डाला गया, रिजर्व प्राइस पर कोई बिड नहीं आई, तो 59 में प्रावधान है कि दोबारा से जब बिड होगा तो असेसिंग ऑफिसर ऑथराइज जो असेसिंग ऑफिसर है वो बिड कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई बिडिंग प्रोसेस होता है उसमें कुछ खर्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ खर्चे आ जाएंगे जो कि उसको बियर करने पड़ेंगे डिफॉल्टर को, तो उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे डिफॉल्टर और असेसिंग ऑफिसर के बीच में अगर कोई प्राइस तय हो जाए कि ठीक है ये प्राइस है इस पे हम प्रॉपर्टी आपकी खरीद लेते हैं, वो प्राइस उसको दे दिया जाएगा, उसके विवज में वो प्रॉपर्टी जो है वो प्राइस देना नहीं है, मतलब टैक्स एडजस्ट हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जिस दिन वो प्रॉपर्टी डिलीवर होती है वो वेस्ट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दे दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी अब सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है। अगर उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस तय हुआ था वो जो टैक्स मिलना था उससे ज़्यादा है, तो जो बची हुई राशि है वो असेसी को 3 महीने में दे दी जाएगी, अगर असेसी को सॉरी जो वही डिफॉल्टर को दे दी जाएगी। अगर वो राशि नहीं दी जाती है 3 महीने में भी पोजेशन देने के, तो 0.5% का इंटरेस्ट हर महीने या पार्ट ऑफ मंथ का असेसिंग ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा,
यानी कि वो असेसिंग ऑफिसर क्या देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को द्वारा दिया जाएगा, असेसिंग ऑफिसर उनकी तरफ से देंगे आधे परसेंट का इंटरेस्ट फॉर पार्ट ऑफ द मंथ या फॉर एवरी मंथ उस डिफॉल्टर को, उस राशि पर जो अनपेड राशि, जो बच गई अनपेड राशि है। अब आते हैं 68B पे, टाइम लिमिट फॉर द सेल ऑफ अटैच्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। नो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी मेड अंडर दिस पार्ट। इस पार्ट में जहां पर कि अटैचमेंट और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, इस पार्ट में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल नहीं किया जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर गिविंग राइज टू अ डिमांड of any tax, interest, fine, penalty or any other sum for the recovery of which the immovable property has been attached has become conclusive under the provisions of section 245I or as the case may be final in terms of the provisions of chapter 20. अब देखिए 7 साल का समय दिया जा रहा है। उस वित्त वर्ष के अंत से जिस वित्त वर्ष के अंत में या जिस वित्त वर्ष में जो और जिस ऑर्डर में डिमांड रेज की गई थी टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी की या दूसरी राशि की, उस वित्त वर्ष के अंत से 7 साल का समय दिया जा रहा है। और ये जो 7 वर्ष का समय दिया जा रहा है, इस 7 वर्ष में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। जैसे जब भी डिमांड रेज हुई है, वो जो डिमांड का ऑर्डर है जिसपे असेसिंग या तो असेसमेंट ऑर्डर है जिससे वो डिमांड रेज हुई है, जब वो ऑर्डर जिससे डिमांड रेज हुई थी वो कंक्लूड हो जाता है 245I में यानी सेटलमेंट कमीशन में जाके कंक्लूड हो जाता है या वो फाइनल हो जाता है अपील के सारे प्रोसीजर्स के बाद, तो जब ये फाइनलिटी पे आ जाता है, कंक्लूजन पे आ जाता है, उसके बाद 7 साल अगर निकल जाते हैं उसके उसके बाद यदि उसके उस वित्त वर्ष के अंत के 7 साल बाद अगर अगर वित्त वर्ष के अंत के 7 साल निकल जाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। यानी इमोबल प्रॉपर्टी को जो डिमांड ऑर्डर के फाइनल होने के वित्त वर्ष के अंत से 7 साल के अंदर ही सेल किया जा सकता है। Provided that the board may, for reasons to be recorded in writing, extend the aforesaid period for a further period not exceeding 3 years. और board इस period को 3 साल और extend कर सकता है केवल maximum. And provided further, और ये further शब्द है यहाँ पे, ये 2019 में 1/9/2019 से डाला गया। और ये जो यहाँ जो फर्दर शब्द का प्रयोग किया गया है, ये 2019 से इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और इसमें कहा गया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रीसोल्ड ड्यू टू द अमाउंट ऑफ हाईएस्ट बिड बीइंग लेस देन द रिजर्व प्राइस और अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन रूल 57 और रूल 58 और वेयर द सेल इज सेट असाइड अंडर रूल 61 द अफोरसेट पीरियड of limitation for the sale of immovable property shall stand extended by 1 year. और बशर्ते कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रीसेल किया जाना है, रिक्वायर्ड टू बी रीसोल्ड। क्यों रीसेल सेल किया जाना है? क्योंकि जो सबसे बड़ी बिड थी वो रिजर्व प्राइस से कम थी, और या फिर ऐसे सरकमस्टांसिस थे जो 57 या 58 में लिखे हुए हैं, उस वजह से रीसेल होना है, या जहां पर सेल सेट असाइड कर दी गई थी रूल 61 में, इस वजह से रीसेल होना है। तो जहां पर भी रीसेल करने की जरूरत है, तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का, वो 1 साल से और एक्सटेंड हो जाएगा। तो रीसेल के लिए 1 साल का टाइम और अलाउ किया जा रहा है। 62 में कहा जा रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सब रूल 1, सब रूल 1 में लिमिटेशन का पीरियड को कंप्यूट करने के लिए, द पीरियड ड्यूरिंग विच द लेवी ऑफ द अफोरसेड टैक्स इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी और एनी अदर सम इज स्टेड बाय एन ऑर्डर और इंजेक्शन ऑफ एनी कोर्ट
or during which the proceedings of the attachment or sale of the movable property are stayed by an order or injunction of any court, or commencing from the date of the presentation of any appeal against the order passed by the TRO under this schedule and ending on the day the appeal is decided, shall be excluded. और ये जो limitation period है, इसको compute करते समय, compute करने के वक्त या उसको compute करने में, जब भी ऐसा होता है कि जो levy थी tax की, interest या penalty या sum की, उस लेवी को स्टे कर दिया गया, या फिर जो प्रोसीडिंग थी अटैचमेंट या सेल की उनको स्टे कर दिया गया किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी ऑर्डर या इंजंक्शन को करके, या फिर अगर कोई टीआरओ के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की गई है और जब तक वो अपील डिसाइड हो जाती है उसके बीच का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द फोर्सेस पीरियड The period of limitation for the sale of the movable property is less than 180 days. अगर ये exclude किया हुआ period हटाने के बाद जो limitation period है sale के लिए वो 180 दिन से कम रह जाता है, तो जो remaining period है वो उसको 180 दिन तक extend कर दिया जाएगा and यानी बढ़ा दिया जाएगा, और जो aforesaid period है limitation का वो भी उसी हिसाब से बढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। कभी कभी हो सकता है ये जितना भी 10 साल का समय दिया जा रहा है, जो एक्सटेंडेड पीरियड में जो भी दिया जा रहा है, उस टाइम कोर्ट का इंजंक्शन लगाओ तो पीरियड उसी में निकल जा रहा है, तो जैसे ही वो कंक्लूड होती है प्रोसीडिंग कोर्ट में उसके बाद 180 दिन का टाइम, कुल 180 दिन का टाइम देना ज़रूरी है कुल मिलाकर सेल के लिए, और उसके बाद 68B3 में कहा जा रहा है कि वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड अंडर दिस पार्ट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जून 92। अगर प्रॉपर्टी को 1 जून 92 से पहले अटैच किया गया रहा है एंड द ऑर्डर गिविंग राइज टू डिमांड इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी और एनी अदर सम फॉर द रिकवरी ऑफ विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड हैज आल्सो बिकम कंक्लूसिव और फाइनल बिफोर द सेट डेट, और वो राशि भी फाइनल हो गई थी उस दिन से पहले, डिमांड कंक्लूड हो गई थी, फाइनल हो गई थी बिफोर दैट डेट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑन विच द सेड ऑर्डर हैज बिकम कंक्लूसिव, और इसलिए उस केस में फर्स्ट डे ऑफ 92 ही माना जाएगा जब ऑर्डर कंक्लूसिव हो गया है या फाइनल हो गया है। यानी जहाँ पर 1 जून 92 से पहले ऑर्डर फाइनल हुआ था, तो उन सारे केसेस में जो फाइनल होने की डेट है 1 जून 92 ले ली जाएगी जब से प्रावधान आया हुआ। फोर है, वेयर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सब रूल वन, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को सब रूल वन के अनुसार नहीं किया गया, यानी कि जो विद इन टाइम अलाउड नहीं किया गया, द अटैचमेंट ऑर्डर इन रिलेशन टू द सेड प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेकेटेड, तो जो भी अटैचमेंट ऑर्डर किया गया था उसके पहले सेल तो नहीं किया गया, अगर अटैचमेंट ऑर्डर किया गया है तो जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो जो भी अटैचमेंट ऑर्डर किया गया था उसके बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो वैकेट कर दिया गया है, यानी खारिज कर दिया गया है, वो वैकेंट हो गया है, खाली हो गया है, उसका कोई असर नहीं है जब वो लिमिटेशन का टाइम एक्सपायर हो जाता है जो इस रूल में स्पेसिफाइड है। तो इसके साथ हम लोग ने पार्ट थ्री सेकेंड शेड्यूल का, और पार्ट फोर की शुरुआत हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो 2:15 बजे हमारा शुरू होगा। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इट वॉज नो डाउट अ लिटिल